हेलो एवरीवन, आ गए हम एक दूसरी वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लीमेंट के बारे में। तो बेसिकली फ्लीमेंट है क्या, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्लीमेंट एक न्यू प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एनएफटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड डेक्स के ज़रिए, जो कि सीमलेस स्वैपिंग है, यानी एक्सचेंज है एक दूसरे के साथ। तो इसकी जो न्यू प्रोजेक्ट है वो स्टैकिंग है, और कम्युनिटी जो है वो सोशल इंटरेक्शन और एनएफटी मार्केट प्लेस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें यूनिक डिजिटल रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जो कि रिवोल्यूशन अपनी आपकी ओनरशिप को, एक्सपीरियंस को डिसेंट्रलाइज्ड वेब के जरिए और डाइवर्स कलेक्शन के जरिए एक नए मोड पे पहुंचा सकती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बाय एंड सेल होता है, यानी खरीदना और बेचने का सिस्टम होता है, जिसमें आप डिजिटल एसेट के जरिए डिसेंट्रलाइज मार्केट में एक्सपीरियंस एनएफटी जो कि एम्पावर करते हैं पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म जो है वो सीमलेस है, सिक्योर है और एनएफटी वगैरह पे सेल भी कर सकते हैं। और ये एक न्यू इंटेग्रेशन मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो कि बहुत ही रिलायबल सिक्योर है ट्रांजैक्शंस के लिए। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, सिक्योरिटी हो गया और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह भी हो गए। ये एफर्टलेसली ट्रेड कर सकते हैं एक वाइड रेंज क्रिप्टो असेट जो कि ट्रस्ट और सिक्योरिटी की नॉन कस्टोडियल इस्तेमाल होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इसमें डेक्स हो गया, जिसका डेक्स और ये गवर्नेंस और क्रॉस चेन से बिल्कुल भी नहीं मिलता, और इसमें कटिंग एज की सोल्यूशन भी मौजूद है जो कि एडवांस वे है वेब थ्री एरा का ट्रेड करने का। इससे आप मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ने अपनी एनएफटी से सेल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको एक कम्युनिकेशन लाइनअप बनाना होगा, ये कम्युनिटी इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी और मुख्तलिफ वेब थ्री इकोसिस्टम के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, इनके उनकी साथ उनकी आइडिया शेयर आइडियाज़ भी देखनी पड़ेगी, अपनी आइडिया भी शेयर करना पड़ेगा, कोलाब्रेशन भी करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट भी करने होंगे और इनकी जो रेजिस्टेंट है वो भी करनी होगी, और इनके जो डिसेंट्रलाइज सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आपने फॉलो वगैरह करना होगा, जो कि डिसेंट्रलाइज मैन आईडी आइडेंटिटी मैनेजमेंट करती है एनएफटी इंटीग्रेशन में, और इनके प्लेटफॉर्म को एक नया एक पावरफुल तरीके से इंटरेक्ट करता है डिसेंट्रलाइज वेब एक दूसरे के साथ, और इससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वेब थ्री डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वेब थ्री एरिया के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वेंचर्स के साथ वो उसके जरिए आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी स्ट्रांग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो ट्रेडिंग इसमें करें, इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के बाद क्रिप्टो की रेट्स वगैरह बढ़ गई तो आपको इससे फ़ायदा होगा, और एनएफटीज वगैरह इसमें ट्रेड करें आप, और अगर आप सेल करना चाहें इन्हें एनएफटीज को इनको ट्रेड्स के जरिए, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे इन्हें ट्रेड्स कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इससे पैसे कमा सकते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर हैं न्यू या इनोवेटर है वेब थ्री स्पेस के वेंचर प्लेटफॉर्म के, जो कि लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट को कम्युनिटी ड्राइव फंडिंग और डीपी इंटीग्रेशन के जरिए, ये प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को, ताकि वो टोकन हो गए, एसेट हो गए, कि वो एक न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाए और आपको ग्लोबल नेटवर्क और आपकी माइंडसेट के लोगों के साथ और आपकी सेम शेयर विजन और फ्यूचर के साथ वेब में आपको कनेक्ट कर सके। इसके टोटल अचीवमेंट जो है वो है 500 मिलियन से ज़्यादा है, और इसके मार्केट प्लेस सेज में 500 मिलियन है, 67 इसके प्रोजेक्ट्स हैं, 10+ इसके ग्लोबल पार्टनर्स हैं, 8,30,071 लोग इसके ट्रेडर्स
टोटल यूजर हैं।